which you are currently viewing on your screen. So what is this timing diagram? So पहले हमने जो अभी पिछला लेक्चर था या जो अभी रिकैप किया, हमने देखा था जो सबसे पहले हमने किया था वो था क्लॉक जनरेशन. तो हमने उस टाइम स्टडी किया था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस क्लॉक जनरेशन, हाउ दिस क्लॉक इज जनरेटेड एंड हाउ दिस इज, हाउ इम्पोर्टेंट रोल दिस इज प्लेइंग इन द माइक्रो प्रोसेसर 8086. नाउ द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड दिस ऑपरेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. जो अभी हमने कंट्रोल सिग्नल्स की बात की, तो एग्जामिनर आपको ये कह सकता है, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ब्रॉडली आ गया कि एक्सप्लेन मिनिमम मोड, ठीक है, आपने मिनिमम मोड एक्सप्लेन किया और एक टाइमिंग डायग्राम बना दिया. दूसरी और तीसरी तरह का आ सकता है कि लेट अस से कि उसने आपसे सेपरेटली पूछ लिया कि हाउ यू विल सेपरेट आउट द एड्रेस एंड डेटा एंड हाउ यू विल सेपरेट आउट द कंट्रोल सिग्नल्स, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है. एक आपका इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि उसने आपको कह दिया कि ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर राइटिंग ऑपरेशन. तो ये जो टाइमिंग डायग्राम है, मिनिमम मोड के चार होते हैं, चार बनते हैं ये, ठीक है. चार कौन कौन से, अगेन चारों कंट्रोल सिग्नल्स के. चार कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से थे, जो तीन कंट्रोल पिन से हमने निकाले थे, इनपुट रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट. तो ये चार ऑपरेशन है, इन चार ऑपरेशन के चार टाइमिंग डायग्राम बनते हैं, ठीक है. तो अगर उसने एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया तो यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम जस्ट टू आई मीन फेच गुड मार्क्स. If he has specified that explain minimum mode for writing operation or for the reading operation, तो आपको वो specifically timing diagram बनाना है. अब timing diagram क्या है, देखो जो अपना previous lecture था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे clock pulse काम करती है. तो ये जैसे ये clock pulse है एक, ठीक है. तो ये clock pulse में हमने बात की थी T cycle. तो ये T1 एक cycle, T2 एक cycle, ठीक है, T3 एक साइकिल, T4 एक साइकिल, फिर अब यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं T1, T2, T3, T4. TW की बात नहीं कर रहा मैं, TW को स्किप कर दो, ठीक है. तो आप याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक मशीन साइकिल किसके बराबर होता है, 4T साइकिल के बराबर इन 8086 प्रोसेसर. मतलब कि एक मशीन साइकिल का मतलब क्या हुआ, हु विल टेल मी, चलो बताओ कौन बताएगा. रितिका, यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस मशीन साइकिल इज. रितिका, आर यू देयर विद अस? हेलो, हाँ तो बताओ इफ यू आर देयर, व्हाट इज दिस मशीन साइकिल. ओके, एनी हाउ प्रशांत, यू टेल अस. प्रशांत, यस सर. हाँ, व्हाट इज दिस मशीन साइकिल. मशीन साइकिल वो टाइम होता है जिस टाइम इंटरवल में जो मशीन है अपना वो एक क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट कर देता है, जैसे जीरो से. यस सर. चलो ठीक है. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, हमने जब आर्किटेक्ट किया था तो हमने एक बात करी थी, सबसे पहले क्या करेगा, फेचिंग, देन डीकोडिंग, देन एग्जीक्यूशन. तो ये पूरा का पूरा एक मशीन साइकिल है, फेचिंग, फेचिंग ऑफ एड्रेस, डीकोडिंग की उस एड्रेस से हमें मिला क्या है, वो क्या है, ऐड है, डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज दिस, फेचिंग, डीकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो ये तीन ऑपरेशन एक मशीन साइकिल में पूरे होते हैं. तो मशीन साइकिल को ये तीन ऑपरेशन पूरे करने के लिए चार टी साइकिल लगते हैं, जिसको हमने कहा T1, देख सकते हो आप ये का पूरा है एक T1, देन ये अगली पूरी पल्स है दूसरा T1 या जिसको आपने नाम दे दिया T2, तीसरी अगली पल्स है T1 अगेन जिसको आपने नाम दे दिया T3. तो इस तरह से चार साइकिल लगते हैं एक मशीन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 8086 प्रोसेसर में, ठीक है. तो वो चार साइकिल्स को अगर हम ये टाइमिंग डायग्राम मतलब टाइम के हिसाब से प्लॉट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, ALE अनेबल होगा. जैसे ही पहला मशीन, जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आया, क्लॉक पल्स का पहला टी साइकिल आया तो ALE अनेबल हो गया. हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं कर्वी ताकि जो थोड़ा सा लैग है नजर आए. तो डोंट थिंक कि क्या कहते हैं ये जो है आपको जो दिख रहा है इट इज सेकंड,
नोट एट ऑल, इट इज फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, मतलब ये मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, डिपेंड. अब जैसे आपकी क्लॉक क्लॉक जो आपने अप्लाई की, कितने कितनी हर्ट्ज की क्लॉक थी 8086 की, कौन बताएगा? लेट अस से 6 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है, 6 मेगाहर्ट्ज की. आपने ऊपर जो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया था वो 12 मेगाहर्ट्ज का था. क्लॉक पल्स जो थी आपकी, वो क्लॉक पल्स जो थी आपकी, वो आपकी थी 6 मेगाहर्ट्ज की. तो अगर 6 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1/T, हर्ट्ज का मतलब इज 1/T, एंड यू विल बी, हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड फ्रॉम दिस 1/T, सो यू कैन एग्जैक्टली रिवर्स, सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल, व्हाट इज द टाइम इट इज टेकिंग टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर 1T साइकिल. ओके, जस्ट ओके. So this all this phenomena which is there in front of you, it is fractions of that second, 6 mega, 6 into 10 to the power 6. So 1/6 into 10 to the power 6 ka matlab hai, aap laga lo. Is it okay? Yahan tak samajh aaya? Is it okay? Sir, aapki voice nahi aa rahi thi. Someone is saying ki awaaz nahi aa rahi. ओके, शायद मुझे लगता है नेट डिस्कनेक्ट हुआ है बीच में. एनी हाउ, कहां तक सुना है आपने, जस्ट प्लीज टेल मी, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर कि कब डिस्कनेक्ट हुआ और कब दोबारा कनेक्ट हुआ. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. हैव यू अंडरस्टूड दिस एएलई एंड एड्रेस, एएलई और एड्रेस? नो सर. कहां तक सुना? अच्छा, फटाफट से, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम और ये पूरा खत्म करना है. 1 × 10⁶ अच्छा अच्छा ओहो, तुम तो बहुत पीछे रह गए. मैं सिंपली आपको बता रहा था कि टाइम पीरियड क्या है, कि लेट अस से जितने मेगाहर्ट्ज का आपका, जितने मेगाहर्ट्ज पे आपका काम कर रहा है आपका दिस माइक्रो प्रोसेसर, तो अगर आपको उसको टाइम निकालना है, तो जैसे 5 मेगाहर्ट्ज या 6 मेगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है, तो 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 6 × 10⁶. ओके, तो 1/6 × 10⁶, अब देखो उसका टाइम पीरियड है, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड है, ठीक है. सो एनी हाउ, तो हमने उसके बाद बात की थी कि आपका पहला क्लॉक पल्स आया, पहले क्लॉक पल्स में, अब सबसे पहले देखो, अब आप अपने स्टेप्स अगर आपके माइंड में याद हैं और आपको पिन डायग्राम हल्का सा भी ध्यान है, और तीसरी चीज जो हमने अभी मिनिमम मोड में डिस्कस करी कि आर्किटेक्ट के में जो चीजें हमने डिस्कस करी और मिनिमम मोड में डिस्कस करी, सबसे पहले क्या अनेबल करोगे आप, ALE पे आप 1 भेजोगे. ALE पे आपने 1 भेजा और इसको हल्का सा कर्व दिखाया, हल्का सा कर्व दिखाया. रीजन बीइंग कि जैसे ये क्लॉक पल्स आया, आपने ALE पे 1 दिया, 1 ये कर्व क्यों दिखाया, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास दो तरह के ट्रिगरिंग डिवाइस होते हैं, पहला जिसको हम कहते हैं लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग. तो यहाँ पर लेवल ट्रिगरिंग है, तो ये अपना स्टेटस चेंज करते हुए, लेट अस से कि इतना हमने इसको कर्व दिखा दिया, तो जस्ट रिप्रेजेंट दैट लेवल ट्रिगरिंग. तो ये एज पे चेंज नहीं हो रहा, लेवल पे चेंज हुआ, सो ALE यहाँ से अनेबल हो गया. ALE अनेबल हुआ तो क्या आना चाहिए, अब एड्रेस कहाँ पर है हमारा, A0 पिन से A19 पिन तक. तो यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन, अगर मैं एड्रेस मान लूं, तो ये नीचे वाली लाइन देखो अनेबल हो गई, जैसे ही ALE अनेबल हुआ, तो यहाँ से A0 से A19 तक डेटा आना शुरू हो गया. अब यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है AD0 से AD15, दिस इज add/data, आप इसको सिंपली AD0 से AD15 भी लिख सकते हो. तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, यहाँ पर एड्रेस आना शुरू हो गया, कहाँ तक का, A0 से A15, बाकी एड्रेस तो आपका 19 तक है, तो रिमेनिंग A16 से A19 आपका किसके साथ मल्टीप्लेक्स था, आपका मल्टीप्लेक्स था वो स्टेटस सिग्नल्स के साथ, दैट वाज S3 टू S6. तो यहां से क्या हुआ, ये अनेबल हो गया A16 टू A19. तो अब आपका जैसे ही ALE अनेबल हुआ, यहां से आपका एड्रेस आना शुरू हो गया. तो हमने क्या बात करी है कि 4T साइकल्स में या आपका एक मशीन साइकिल होता है, तो यहाँ से आपका लेट अस से कि यहाँ तक T2 साइकिल तक आपका एड्रेस जो है वो खत्म हो गया, और यहाँ पर देखो आप, ये फिर से जीरो हो गया. तो जैसे ही आपका एड्रेस खत्म हुआ, अगला स्टेप क्या होता है, आपको डेटा उस पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा उठाना है, ठीक है. तो आपने डेटा उठाने के लिए किसको अनेबल करना था, DEN को. तो DEN ऑलरेडी हाई है, अनेबल करने के लिए इसको लो करना पड़ेगा, एक्टिव लो. तो जैसे ही आपका एड्रेस खत्म हुआ, यू हैव अनेबल्ड DEN. तो जैसे ही आपने DEN को
को अनेबल किया, DEN को अनेबल किया, यू कैन सी नाउ योर डेटा स्टार्टेड, डेटा इज कमिंग नाउ, डेटा इज प्योर डेटा फ्रॉम D0 टू D15 स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दिस सेकेंड T साइकिल. ठीक है, यहां तक की बात समझ आई है? Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट किस तरह से आप टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे? बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये डायग्राम आपने या तो क्या कोशिश करनी है कि पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. डू नॉट शो योर स्किल्स ऑफ फ्री हैंड ड्रॉइंग इन दिस सब्जेक्ट. ओके, दूसरा अगर आपके पास सम हाउ पेंसिल नहीं है देन यूज पेन एंड स्केल, और पेन अगर मल्टी कलर लगा पाओ, दो तीन कलर से अलग अलग रिप्रेजेंट कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि ये देखो यहाँ पर आप एड्रेस भी दिखा रहे हो, डेटा भी दिखा रहे हो, तो एड्रेस दिखाओगे तो ये दोनों अगर ब्लू कलर की लाइन खींचोगे तो नहीं समझ आएगा. ठीक है, तो दिस लाइन इज सेपरेट नाउ, दिस एड्रेस आना बंद हो गया है और डेटा आना शुरू हो गया है. तो इतना पॉइंट क्लियर. डेटा आना कब शुरू हुआ? जब डेटा अनेबल हुआ, DEN बार अनेबल हुआ. अब ये तो हो गई 50% बात. 50% बात है कि अब आपको करना क्या है बेसिकली. आपने डेटा आपको किस लिए चाहिए? आप डेटा ट्रांस, पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था जब हमने मिनिमम मोड किया था कि DEN के साथ साथ आपको एक चीज और भी चाहिए. अगर मैं आपको जस्ट एक बार शफल करूं फिर से, आप ये मिनिमम मोड अगर देख पा रहे हैं तो इसमें आप देखिए यहां पर DEN के साथ साथ और कौन सी पिन है. इफ यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, DEN के साथ पिन है आपकी DTR बार. तो मतलब DEN आप अनेबल करोगे, उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आप करना क्या चाहते हो. डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो या डेटा रिसीव करना चाहते हो? ओके, डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो या डेटा रिसीव करना चाहते हो? तो यहाँ पर भी वही बात है, आप अपने पेन, ये जो टाइमिंग डायग्राम है यहाँ पर भी आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को पहले ही बता दोगे वेदर यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट डाटा और वेदर यू वॉन्ट टू रिसीव डाटा. ट्रांसमिट मतलब यू वॉन्ट टू राइट द डेटा, रिसीव मतलब यू वॉन्ट टू रीड द डेटा. ओके, सो आपने यहाँ उसको पहले ही बता दिया. जैसे ही आपने ALE अनेबल किया, साथ में ही आपने DTR बार को अनेबल कर दिया कि आप क्या चाहते हो. लेट अस से आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो ये आपने उसको अनेबल कर दिया. अब क्या बात है, फिर से अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि सबसे पहले आपने ALE अनेबल किया, साथ ही आपने ये बता दिया कि आपने ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है. उसके बाद ALE अनेबल होते ही एड्रेस अनेबल हो गया, एड्रेस आना शुरू हो गया ये और ये. ठीक है, A0 से A19 तक. ठीक है, A0 से A19 तक. उस एड्रेस के बाद जैसे ही वो एड्रेस खत्म हुआ फ्रॉम द इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड टी साइकिल, मतलब ALE जीरो हुआ, एड्रेस खत्म हो गया, एड्रेस खत्म हो गया, हमें प्योर एड्रेस मिल गया, हमारा डेटा आना शुरू हो गया. अब ये डेटा आना शुरू हुआ है वो कैसे शुरू हुआ है? क्योंकि DEN अनेबल किया है. जैसे ही हमने कहा था ALE एंड DEN आर इंटररिलेटेड. जैसे ही ALE जीरो हो रहा है DEN भी जीरो हो रहा है. बस फर्क क्या है, DEN जीरो होने का मतलब क्या है कि DEN अनेबल हो रहा है. ओके, तो DEN आप देखो फिर से, आई एम जस्ट शफलिंग द स्क्रीन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली. आप ये देखो DEN एंड ALE, दिस इज ALE, दिस इज DEN. ठीक है, तो जैसे ही DEN जीरो हुआ है, लो हुआ है, आपका ALE भी जीरो हुआ है. तो ALE जीरो का मतलब ALE डिसेबल हो गया, DEN जीरो का मतलब DEN अनेबल हो गया. तो डेटा आना शुरू हो गया. अब वो डेटा आ तो रहा है, उसका करना क्या है? आपने कहा कि आपको उसका उसको राइट करना था. ठीक है, यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट द डेटा, सो आपने राइट WR बार ले लिया यहाँ पे. ठीक है, WR बार ले लिया. अब यहाँ पर एक और चीज मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ. तो यहाँ तक की बात शुरू होगी. तो जैसे ही डेटा आना शुरू हुआ वो राइट होना शुरू हो गया, एज यू कैन सी. जैसे ही डेटा आना खत्म हुआ तो राइट ऑपरेशन खत्म हो गया एंड ये T4 साइकिल पूरा खत्म हो गया. तो एक मशीन साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया. फिर अगला मशीन साइकिल शुरू होगा फिर से T1, T2, T3 से. यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस TW, यू जस्ट ड्रॉ 4 क्लॉक पल्सेस T1, T2, T3 एंड T4. शो द ALE सिग्नल, शो द एड्रेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ एड्रेस, देन शो द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, देन शो द दिस DEN एंड DT बार, राइट बार. अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जो आपको मुझे अभी पूछनी चाहिए थी. इफ यू आर पेइंग योर फुल अटेंशन, कि सर आपने तो हमें बताया था कि या तो इनपुट में होगा, अभी जो कंट्रोल सिग्नल्स बताए थे, या आउटपुट में होगा. यस, वो इस डायग्राम में मिसिंग है. ठीक है, तो
आपको यहाँ पर एक और पल्स बनानी है जिसको आप कहोगे ये वाली। आई एम जस्ट अगेन शफलिंग द स्क्रीन, ये वाली जिसको आपने कहा एम आईओ बार। मतलब अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू राइट इन इनपुट आउटपुट, तो आपको एम आई ओ बार आपको शो करना पड़ेगा, उसमें आपको आईओ बार पे मतलब जीरो दिखाना पड़ेगा। तो मतलब आप कैसे ड्रॉ करोगे उसको, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर आप एक और दिखाओगे इसके साथ, डी टी आर बार के साथ एन आईओ बार। तो जो भी आपने लेटर से आपने मेमोरी में दिखाना है तो आप एम आईओ बार को वन सिग्नल हाई सिग्नल दोगे। अगर आपने इसी के साथ ही पैरेलली राइट ऑपरेशन के साथ ही अगर आपने इनपुट आउटपुट दिखाना है तो यही राइट ऑपरेशन के साथ ही इनपुट आउटपुट को लो सिग्नल दोगे क्योंकि वो आईओ बार है। इज इट क्लियर? दिस इज द कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम ऑफ मिनिमम मोड। चार तरह के टाइमिंग डायग्राम बन सकते हैं। आई टोल्ड यू कि एग्जामिनर आपको चार तरह के टाइमिंग डायग्राम पूछ सकता है, राइटिंग का, रीडिंग का, ठीक है, और राइटिंग रीडिंग का किसमें, या तो इनपुट आउटपुट में या मेमोरी में। तो चार कंट्रोल सिग्नल थे हमारे, तो चार टाइमिंग डायग्राम बनते हैं। अगर यहाँ पर राइटिंग का दिखाया गया है, रीडिंग का दिखाना है, तो यहाँ आर डी बार आ जाएगा सिंपली। इफ यू आर रीडिंग द डाटा तो यहाँ आर डी बार आ जाएगा, और ये डी टी आर बार बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, मतलब आप इसको लो रखेंगे क्योंकि बिकॉज यू आर रीडिंग द डेटा। इज इट ओके? ये चारों के चारों क्लियर हुए हैं। तो योर फर्स्ट असाइनमेंट फॉर दिस इज यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज फोर टाइमिंग डायग्राम्स एंड यू हैव टू सेंड देम वाया ईमेल। और मैं आपको ईमेल मत करना, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ जाएंगे, नहीं तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, आपको उसमें अपने चारों के चारों टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करके अपलोड करने हैं रोल नंबर वाइज। वो फाइल का जो नाम है आप रोल नंबर लिखना और टाइमिंग डायग्राम, मतलब यू विल राइट लाइक योर रोल नंबर इज 1210207 रोल -hyphen टाइमिंग डायग्राम। इज इट ओके? तो टाइमिंग डायग्राम सबको समझ आए? प्लीज टेल मी येस और नो। I need your answer in the chat box or by unmuting a mic. I can hear only 3-4 voices. What about others? Yes, sir. So this is a very important question. Now your minimum mode is complete. So minimum mode with four timing diagrams. Okay. So draw with the help of scale and pencil. Sir, can you go through the Google Classroom? It's better. Okay. I'll try, Muskan. I'll try that because I'm not that computer savvy. So I'll try that. I'll try to understand what is this platform is. Okay, anything else? Okay, so again, just a quick recap. What we did today, we have understood what is a timing diagram. So you have taken a clock pulse, first T cycle of clock pulse. Address is enabled. As soon as you have enabled this address ALE, address latch, your address start coming. As it dips, it will dip in the second T cycle in all the cases. So address will be finished. You have fetched whole address. After fetching the address, from the beginning itself, you have told microprocessor what you are going to do. You are whether transmitting the data or receiving the data. You have taken that decision over here. Then finally, after that address, you have enabled this DEN data enable, and your data started coming. As you can see here, your data started coming. So whatever you want to do with that data, if you want to write, you are showing that write waveform. If you want to read, use the read operation. Only simple thing is just replace this write by read. So you are reading that data. The last thing I requested with you is examiner can ask whether you are doing this read or write operation in memory or input output. So show another waveform inclusive of all these waveforms. Add another one showing that MIO bar. So whatever operation you are doing in memory. So if you are doing the operation in memory, enable that memory by providing higher signal. Or if you are doing operation in input output, enable that IO in. Put that zero in zero signal to MIO bar. Okay, so this is what we have discussed up till now. So minimum mode and your chapter one, jo unit one hai aapka syllabus ka, usme jo last topic ab hamara rahega, that is maximum mode. So we'll covering maximum mode in the next lecture. So just a quick overview ki maximum mode hota kya hai. Aapko already main bata chuka hu ki jisme bahut sare processor ek sath kaam kar rahe hain.
तो कुछ एक पिन्स ऐसी थी जो मिनिमम मोड में चलती हैं, कुछ मैक्सिमम मोड में, सो विल बी सीइंग कि उन पिन्स का मतलब क्या है. ओके, सो नाउ यू कैन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स.